इस वीडियो में हम भगवान राम की 14 साल की वनवास यात्रा को मैप के द्वारा जानेंगे। श्री राम की वनवास यात्रा अयोध्या से शुरू हुई, जहां उनका जन्म हुआ था। अयोध्या से निकलकर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गंगा नदी के तट पर पहुंचे। निषाद राजगु निषाद साम्राज्य के शासक थे। श्री राम के अनुरोध करने पर निषाद राज ने अपने नाव में तीनों को गंगा नदी के दक्षिणी तट पर पहुंचा दिया, जिसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ऋषि भारद्वाज जी से हुई। ऋषि भारद्वाज जी ने उन्हें चित्रकूट की ओर जाने की सलाह दी। चित्रकूट वही जगह है जहां भरत श्री राम को वापस अयोध्या चलने के लिए मनाने आए थे, जिसके बाद वो दंडक वन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वनवास के 10 साल व्यतीत किए। फिर वे महाराष्ट्र के पंचवटी पहुंचते हैं। यही वो जगह है जहां रावण ने माता सीता का छल से हरण किया था। सीता माता को बचाने के लिए जटायु ने रावण का पीछा किया, लेकिन आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में रावण ने जटायु का वध कर दिया। फिर श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए कर्नाटक के किष्किंधा पहुंचे, और यहीं पर श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव और हनुमान जी की सहायता के साथ वानर सेना को तैयार किया। वानर सेना के साथ वो तमिलनाडु में रामेश्वरम पहुंचे, जहां भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले शिवलिंग को स्थापित किया, फिर राम सेतु पुल का निर्माण कर लंका पर आक्रमण कर दिया। फिर जिसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया और माता सीता को भी छुड़ाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको भगवान श्री राम की जर्नी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।